चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। 18 जुलाई को भारत के अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित कराया जाएगा। बता दें कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। भारतीय गणराज्य की शासन सत्ता को सही से चलाने में राष्ट्रपति बेहद अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। भारतीय शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति के नाम से ही प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किया जाता है। संसद से पारित कोई भी कानून, बिल या नियम तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की मंजूरी न मिल जाए। ऐसे में समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव देश के लिए कितना अहम होता है, जिस वजह से हमारे लिए भी आज यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर कैसे होता है। तो आज हम राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्यों के चुने गए विधायक और लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसद अपने वोट डालते हैं। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सांसद भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मतदान से पहले नामांकन करना होता है, जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है और 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों की दस्तखत सूची के साथ नामांकन दाखिल करता है। यह 50 प्रस्तावक और समर्थक 50 अलग अलग विधायक और सांसद हो सकते हैं। एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के सांसद और अलग अलग राज्यों के विधायक होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव यही इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातित होता है। यहाँ पर उनका सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, पर उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। राष्ट्रपति का चुनाव सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद अपने वोट के माध्यम से करते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है, इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल स्थानांतरणीय प्रणाली कहा जाता है। सिंगल वोट यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन यह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकी के हिसाब से वोट देता है, यानी वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद कौन है। राष्ट्रपति चुनाव की सबसे खास बात क्या है कि इसमें प्रत्येक वोट का मूल्य अलग अलग होता है। राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 निश्चित है। विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का महत्व अलग अलग होता है, इसे वेटेज भी कहा जाता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। सांसदों के मतों के वेटेज का तरीका कुछ अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को लोकसभा के चुने गए सांसदों और राज्यसभा की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो अंक मिलता है वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता है तो वेटेज में एक का इजाफा हो जाता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती है। राष्ट्रपति वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल करे। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट चाहिए। इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। जीत के लिए प्रत्याशी को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो प्रत्याशी या सबसे पहले हासिल कर लेगा वह राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले, लेकिन उसको मिले वोटों में से यह देखा जाता है कि उसकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाता है, अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जी हिंदुस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।